अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है बुधवार वेनेसडे का दिन और आपको लेके आए हैं दरगाह शरीफ। और दरगाह शरीफ में पहला गेट जो निज़ाम गेट कहलाता है उसकी ओर आपको मंजर दिखा रहे हैं। बाहर की ओर क्या भीड़ का आलम बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। दोस्तों ये है स्टेशन की ओर का रास्ता और ये देख सकते हैं आसपास का माहौल, देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। और ये जाता है एक रास्ता अंदर कोर्ट की ओर, आपको लेके चलते हैं अब अंदर की ओर। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों, तो बिना स्किप किए दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में मेहमानों में शेयर करें वीडियो को। जो नहीं आ सकते अजमेर शरीफ वो घर पर वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे दरगाह शरीफ का पूरा मंज़र। ये देख सकते हैं अंदर की ओर आ रहे हैं दोस्तों, लेके चलते हो और आपको अंदर की ओर क्या भीड़ का माहौल बना हुआ है देख सकते हैं। काफ़ी मेहमानों की आवाजाही बनी हुई है, आज भी बुधवार के दिन, कल है जुमेरात और परसों है जुम्मा। देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल बनी हुई है आज बुधवार के दिन। और ये जो दोस्तों दिख रहा है आपको सामने, ये है बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाजे के आसपास का भी मंजर देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है आज। देख सकते हैं बुधवार के दिन आइए, ज़ियारत करें, दुआएँ मांगे, माशाल्लाह आपके आपकी रोज़ी में बरकत दे। ये सामने है अकबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद की ओर का मंजर देखिए दोस्तों। ये दो नंबर गेट और दो नंबर गेट से आगे की ओर पड़ता है दोस्तों बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाजे की ओर का मंजर देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार बना हुआ है आज। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है और ज़ियारत कराते हैं आपको आप छोटी देख की, तो दुआएँ मांगे, ज़ियारत करें, माशाल्लाह कामयाबी दे आपको, आपकी रोज़ी में बरकत दे आपको। ये देख सकते हैं आसपास का माहौल देखिए दोस्तों, सुभान अल्लाह माशाल्लाह शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं ये चहल पहल देखिए बुलंद दरवाजे के पास, जो कि छोटी देख है, छोटी देख का दीदार करा रहे हैं आपको। देख सकते हैं काफ़ी मेहमान जा रहे हैं अंदर की ओर। बुलंद दरवाजे के आसपास का माहौल देखिए, ये है सामने बड़ी देख और बड़ी देख के सामने ही दोस्तों ये पड़ती है छोटी देख। और ये गुंबद है ख्वाजा गरीब नवाज का, गुंबद के ऊपर दोस्तों देख सकते हैं तारागढ़ का मंजर भी दिखाई दे रहा है। और ये नीचे देख सकते हैं वजू खाना है दरगाह शरीफ में, और पास में ये गुंबद है। और ये देख सकते हैं तीन नंबर गेट की ओर लंगर खाने की ओर आ चुके हैं दोस्तों, शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। ये तीन नंबर गेट की ओर का मंजर देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। ये काफ़ी मेहमानों की आवाजाही बनी हुई है, ये है वजू खाना। और पीछे से ये देखिए बुलंद दरवाज़ा, जहाँ पे छतरी भी है और पास में है बड़ी देख। ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। लेके चलते हैं अब आपको संथल की ओर, संथल के पास में दोस्तों आपको बीवी साहब की दरगाह की जियारत भी कराते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जितना हो सकता पूरा मंजर बताएंगे आपको, तो बिना स्किप किए दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर एक मंजर आने वाला आपको सही समय पर देखने को मिलता रहे। आगे की ओर लेके चलते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही शानदार माहौल हो बना हुआ है दोस्तों। आज बुधवार का दिन है, वेनेसडे का दिन है, ये काफ़ी मेहमानों की आवाज़ें लगी हुई है, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये फूल की दुकानें हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये आ चुके हैं आयता नूर की ओर, जो कि प्रवेश द्वार कहलाता है ख्वाजा गरीब नवाज के दर का। ऊपर है दोस्तों ये देख सकते हैं गुंबद, और गुंबद के दोस्तों नीचे का मंजर देखिए, बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। कव्वाली की महफिल एक तो दोस्तों ये आयता नूर की ओर छिड़ती है और एक पायती गेट की ओर छिड़ती है, वहाँ का भी आपको दीदार कराएंगे। ये देख सकते हैं कव्वाली की महफिल छिड़ी हुई है, वो आसपास का मंजर देखिए बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। ये देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है और ये इसी के साथ दोस्तों बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। आइए जियारत करें इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सकता है दोस्तों, तमाम अपने दोस्तों में मेहमानों में जायरीनों में शेयर करें। और कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको ऐसा मंजर आने वाला सही समय पर देखने को मिलता रहे। ये देखिए दोस्तों कव्वाली हो रही है, और कव्वाली की महफिल के आसपास देखिए दोस्तों काफ़ी मेहमानों के आवाज़ें लगी हुई है, बैठे है या कोई ज़ियारत कर रहा है। ये लाइन के द्वारा अंदर जाया जाता है दोस्तों, देख सकते हैं कोई फूल पेश कर रहे हैं, कोई चद्दर चढ़ाते हैं। चद्दर के लिए तीन नंबर का गेट है, जो कि आपको आगे की ओर बताएंगे, वहाँ से चद्दर दोस्तों जाती है। यहाँ से आप केवल लाइन में खड़े हो सकते हैं और फूल पेश कर सकते हैं दोस्तों, या कोई इनका प्रसाद हो या कुछ हो वो चढ़ाया जा सकता है, जैसे कि फूल हुआ या और भी कोई
मोती के व दाने के साठिया वाठिया या धागा ये चढ़ता है आयतानूर की ओर से, क्योंकि इनका एंट्री गेट है ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर जाने का। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप आ चुके हैं, देख सकते हैं ये आ गए हैं। अब पायती गेट की ओर का माहौल देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सकता है दोस्तों पूरा बताएंगे आपको इस आज का दरगाह शरीफ का मंजर बुधवार के दिन का। ये देख सकते हैं दोस्तों आगे की ओर कवाली की महफिल छिड़ी हुई है, उसका भी आपको दीदार कराएंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहे वीडियो के अंदर दोस्तों। अंदर दोस्तों माहौल बना हुआ है, आज है बुधवार वेनिसडे का दिन, और देख सकते हैं ये पायती गेट की ओर के मंजर से ऊपर गुंबद जो बना हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज का, ये नीचे लाइन लगी हुई है, अंदर की ओर फूल पेश के लिए जा रहे हैं काफ़ी मेहमान। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। अब कवाली की महफिल पायती गेट की ओर जो बनी हुई है वहाँ का आपको दीदार कराते हैं, थोड़ा सा आपको कवाली की महफिल सुनाते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे की ओर लेकर चलते हैं, ये पायती गेट की ओर कदम उसी की ओर का माहौल है। देख सकते हैं दोस्तों मेहमान आ रहे हैं अंदर से बाहर की ओर, देख सकते हैं जियारत करके दुआएं मांगे दोस्तों, ज़रूर माशाल्लाह आपकी रोज़ी पर में बरकत दे, कोई मुराद हो वो पूरी हो दुआएं मांगे दोस्तों। ये देख सकते हैं पायती गेट की ओर से अंदर का मंजर बता रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज के दर का, जहाँ मजा आ रहे हैं इनकी, ये मेहमान आ रहे हैं बाहर। अब आपको लेके चलते हैं दोस्तों 3 नंबर गेट की ओर, सामने ये शाहजनी मस्जिद दिख रही है, इसी के नीचे 3 नंबर गेट है दोस्तों जहाँ पे हम खड़े हैं और आपको आसपास का दीदार और माहौल बता रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पूरा बताएंगे माहौल, तो बिना स्किप किए दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखा करें वीडियो को। ये देख सकते हैं दोस्तों सामने है गुंबद ख्वाजा गरीब नवाज का, ये आपको 3 नंबर गेट की ओर से दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। आज बुधवार वेनिसडे का दिन है, आइए जियारत करें, दुआएं मांगे, माशाल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल पूरी होगी, जो भी कोई मन्नत हो कुछ भी हो ज़रूर इस दर पे पूरी होती है। देख सकते हैं 3 नंबर गेट की ओर का मंजर दिखा रहे हैं दोस्तों, क्या शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया माहौल बना हुआ है दोस्तों। ये है सामने ऊपर शाहजनी मस्जिद और नीचे 3 नंबर गेट की ओर से मंजर दिखा रहे हैं आपको। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी मेहमानों की आवाजाही बनी हुई है, कोई मेहमान आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, और 3 नंबर गेट की ओर से भी अंदर जाया जाता है दोस्तों। यहाँ से आप फूल पेश भी कर सकते हैं, चादर भी चढ़ा सकते हैं, और 4 नंबर गेट की ओर से दोस्तों जियारत करके आप बाहर एग्ज़िट की ओर आ सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों 3 नंबर गेट से चादर जारी है मेहमानों के द्वारा अंदर, और ये चढ़ेगी ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर, और ये देख सकते हैं जन्नती दरवाजे की ओर आपको मंजर दिखा रहे हैं दोस्तों। जन्नती दरवाज़ा दोस्तों मैं साल में 4 बार खुलता है, और इस जन्नती दरवाजे की खास बात यह है कि जो भी जन्नती दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है तो उसे माशाल्लाह जन्नत कबूल होती है। और इसी दर पर दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी मेहमान फूल पेश करते हैं, अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं, कुछ पर्ची के माध्यम से चिपका के जाते हैं, कोई ताले लगाते हैं, देख सकते हैं। अब आपको लेके चलते हैं आगे, 4 नंबर गेट है जहाँ से एग्ज़िट होती है 3 नंबर गेट, और आस्तान शरीफ की
गेट की ओर से अंदर जाया जाता है ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर, और ये 4 नंबर गेट है, इससे एग्ज़िट होती है, बाहर आते हैं मेहमान। देख सकते हैं दोस्तों, ये मन्नत के धागे बांधे जा रहे हैं जायरीनों मेहमानों के द्वारा। ये देख सकते हैं दोस्तों 4 नंबर गेट की ओर का मंज़र, देखिए ये अंदर से मेहमान आ रहे हैं दोस्तों। कोई मेहमान बाहर जो गेट लगा हुआ है वहाँ पे, ये देखिए दोस्तों धागे बांध रहे हैं मन्नत का, और ये आपको शाहजहानी मस्जिद का दीदार भी कराएंगे जो कि पास में है 4 नंबर गेट की ओर। देख सकते हैं ये 4 नंबर गेट की ओर से बाहर आ रहे हैं मेहमान, बहुत शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। ये है बाबा फरीद साहब का चिल्ला, और बाबा फरीद साहब के चिल्ले के पास में ये बीबी साहब की दरगाह है। ये देख सकते हैं दोस्तों पीछे से, और वापस मंजर आपको दिखा रहे हैं, या धूप लोबान भी किया जाता है दोस्तों। जिनकी मन्नत पूरी होती है वे ज़रूर यहाँ आते हैं, फूल पेश करते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं। हमेशा आपको चेल पेल और भीड़ का आलम देखने को मिलेगा। जैसे कि संडे का दिन हुआ, और आपको लेके चलते हैं 10 नंबर गेट की ओर। 10 नंबर गेट की ओर से आप एंटर होते हैं अंदर शाहजहानी मस्जिद पे, और शाहजहानी मस्जिद का दीदार करिए। देखिए काफ़ी मेहमान बैठे हैं, फूल पेश कर रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई ज़ियारत कर रहा है, देख सकते हैं कोई यहाँ से मन्नत मांग रहे हैं। ये अंदर जो मस्जिद बनी हुई है इसे शाहजहानी मस्जिद कहते हैं, और शाहजहानी मस्जिद की यह है बात कि जुम्मा की जो नमाज़ होती है तो वो शाहजहानी मस्जिद में ही होती है, और जब भीड़ का आलम काफ़ी बना हुआ रहता है, काफ़ी तादाद में भीड़ रहती है। ये देख सकते हैं दोस्तों गुंबद ख्वाजा गरीब नवाज का शाहजहानी मस्जिद की ओर से, और ये नीचे की ओर से देखिए दोस्तों 3 नंबर गेट की ओर का मंजर दिखा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। ये देख सकते हैं काफ़ी तमाम मेहमानों की आवाजाही है, चहल पहल काफ़ी बनी हुई है दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं ऊपर से आपको दिखा रहे हैं शाहजहानी मस्जिद की ओर से नीचे 3 नंबर गेट की ओर मंजर, काफ़ी मेहमान खड़े हुए हैं, फूल पेश कर रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई खड़े हैं, कोई बैठे हैं। देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सकता है दोस्तों आपको पूरा मंजर हर दिन का बताने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, जिससे जो नहीं आ सकता अजमेर शरीफ वो घर बैठे जहाँ से भी देख रहा हो वो इस वीडियो के माध्यम से देख सके, ज़ियारत कर सके, दुआएं मांगे। माशाल्लाह ये दर वो है कि कहीं पे भी बैठा हुआ मेहमान जो दुआएं करता है उसकी माशाल्लाह मुराद ज़रूर पूरी होती है। ये देख सकते हैं दोस्तों शाहजहानी मस्जिद से नीचे आ चुके हैं, अब लेके चलते हैं आपको बाहर की ओर। जन्नती दरवाज़ा का एक बार फिर से आपको दीदार कराते हुए बाहर ले चलेंगे। आज भीड़ का आलम अच्छा बना हुआ था, तो ये आपको वापस से एक बार नीचे का मंजर दिखाया है। अब सीधा आपको बाहर ले चलेंगे जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है, वज़ू खाना आता है, जहाँ वज़ू खाना है, बुलंद दरवाज़ा है, बड़ी देग है, छोटी देग है। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी मेहमानों की आवाजाही बनी हुई है दोस्तों, बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों बाबा फरीद साहब के चिल्ले की ओर का है ये माहौल, जहाँ पे 10 नंबर गेट की ओर से अभी अंदर चले थे शाहजहानी मस्जिद में। अब आपको लेके चलते हैं बाहर की ओर जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है, ये पहले आता है वज़ू खाना। वज़ू खाने से थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं, वह आता है छतरी, और छतरी के पास में दोस्तों ये देख सकते हैं सामने बड़ी देग है जो कि बादशाह अकबर के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें 120 मन 80 मन के हिसाब से लंगर बनता है, और ख्वाजा गरीब नवाज के जितने भी अकीदमंद मेहमान हैं उनमें बटता है लंगर के द्वारा। ये देख सकते हैं कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई बैठे है, कोई खड़े हैं, मेहमान जियारत के लिए जा रहे हैं, कोई फूल पेश कर रहे हैं, कोई फूल ले रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। अजमेर शरीफ का मौसम बहुत ही सुहाना है, देख सकते हैं बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। अब आपको लेके चलते हैं बाहर की ओर, जहाँ से हम निज़ाम गेट पहले गेट से एंटर हुए थे। ये देख सकते हैं दोस्तों वापस वही आ चुके हैं, इधर 2 नंबर गेट है, वहाँ से भी आप अंदर आ सकते हैं, और ये है सामने अकबरी मस्जिद जिसका दीदार आप नज़ारा कर सकते हैं। अब आपको वापस बाहर की ओर लेके चलते हैं, और ऊपर से जो निज़ाम गेट की सीढ़ियाँ है वहाँ से नीचे का व्यू दिखाएंगे, कितना शानदार माहौल बना हुआ रहता है, इतनी भीड़ का आलम दिखाई देता है मानो कि जैसे उर्स चल रहा हो, या जुम्मा हो, या जुम्मेरात हो। इस दिन काफ़ी भीड़ का आलम रहता है, वैसे आज है बुधवार। देख सकते हैं बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए नीचे मेहमानों की, जायरीनों की हमेशा चहल पहल आपको देखने को मिलती रहेगी, तो ज़रूर
जब भी आए अजमेर शरीफ या इस वीडियो के माध्यम से आप कैसे भी देख रहे हो तो ज़रूर ज़ियारत करें, दुआएं मांगें। माशाल्लाह आपकी ज़रूर दुआएं पूरी होगी। ये देख सकते हैं आपको फिर से एक बार मंजर दिखा रहे हैं बाहर का। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर एक मंजर आने वाला आपको सही समय पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले